अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप जी का साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अज की वीडियो के असं डिस्कस करांगे पब्लिक नोटिस जो अपडेट होए ने ऑफिशियल वैबसाइट एजुकेशन इक्विपमेंट बोर्ड की। पहला तो नोटिस हैगा जी, तुम देख सकते हो पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ मास्टर कैडर पोस्ट। दूसरा हैगा जी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ मास्टर कैडर पोस्ट। तीसरा हैगी कि तुम प्राइमरी पोस्टा दे अपलाई किया जो पोर्टल के एंटिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना। फिलहाल एंटिटी वाला लिंक जो अपलोड करता हुआ है कि सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना वो तुम वीडियो देखना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलो अगले दो नोटिस डिस्कस करते हैं। पहला तो हैगा जी इन्हों का आ नोटिस ये दसिया है कि जोड़े ढे एग्जाम वगैरह हुए थी, ठीक है, डिफरेंट पोस्टा के 518, 380, 595, 899, 135, 90 पोस्टा के 20 जून और 21 जून। सो दे लिखती पेपर की आंसर की संबंधी ऑब्जेक्शन मंगे गए सन, ठीक है जी, तुसी एतराज़ लाए सी उम्मीदवार वालों आंसर की तो प्राप्त होए एतराज़ों का निपटारा कर उपरंत रिवाइज आंसर कीज़ विभाग की वैबसाइट दसी हुई है तो अपलोड कर दी हुई हूँ। तुम चैक कि करनी है, सब तो मेन गल है उम्मीदवार अपने लॉगिन आई डी तो लॉगिन करके नतीजा वेख सकता है। सो तुम अपनी लॉगिन आई डी पासवर्ड फिल कर लेना, जिदा इतने ला लो कि आप आई डी पासवर्ड फिल किया वो पैनल के अंदर तुम्हें शो होगा। दूसरा इतने आया जी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ मास्टर कैडर पोस्ट। सो ये की है जी, सो आ है जी दूसरा जो इन्होंने पब्लिक नोटिस, ठीक है जी, अपलोड किया है उम्मीदवार हिदायत। पंजाब सिक्ख्या विभाग वालों घर घर रोज़गार तहत स्कूल सिक्ख्या विभाग अधीन मास्टर कैडर बोर्ड जी 380 अंग्रेजी दारा मैं एक्सप्लेन कर दिता होया। विभाग की वैबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्तों की मांग की गई सी। जिहड़े उम्मीदवार ने इन असामियों अपलाई किया उन्हों का टैसट 20 और 21 जून में लिया गया सी। नतीजा घोषित कर दिता गया है इन्हों का, ठीक है, लिखती टैसट लैन उपरंत नतीजा घोषित कर दिता गया, मिंटू से रिजल्ट अनाउंस कर दिता इन्होंने। उम्मीदवार अपने असल दस्तावेजा की स्क्रूटनी लिए दफ्तर डायरैक्टर सिक्ख्या भर्ती उही जो मोहाली वाला अड्रैस उत्थे जाना तुम माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग फेस 3B SS नगर। सो ही अड्रैस जिथे ऑल ओवर ताड़ी स्क्रूटनिंग वगैरह हुई है। टाइमिंग है 9 to 3 बजे तक। असल दस्तावेजा की स्क्रूटनी लिए सद्दा दिता गया है, किन्नी किन्नी तरीक नूं दिता गया है। सो पहले तो सारे बच्चों को कंग्रेचुलेशन जिन्हें जिन्हों का नंबर लगा जिन्हों का नहीं लगा कोई गल नहीं फ्रेंड्स, नैक्सट होर भी बहुत ज़्यादा मौके आते हैं, बस ये है कि तुम अपना हार्डवर्क करते रहो। 9 तरीक न जिन्होंने बुलाया 9 जुलाई में साइंस वाले बुलाया, ये जी कैटेगरी है SC R&O ये 55 तो उपर वध अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सारे बच्चों बुलाया जिन्होंने 55 या 55 तो वध नंबर है। उस तो बाद 13 जुलाई में बुलाया गया मैथमैटिक्स वाले भी SC R&O है, इन्होंने 62 या 62 तो उपर, ठीक है, 62 या above 62 जिन्हों बच्चों के मार्क्स आए हैं उन्होंने सारे बच्चों बुलाया। 14 जुलाई में हैगा इंग्लिश वाले जिद्द SC R&O और BC कैटेगरी वाले बच्चे है जिहड़े SC R&O उन्होंने 119 या above जिन्होंने बच्चे ने मार्क्स गैट किए उन्होंने बुलाया और BC वाले जिहड़े 129 या 129 तो उपर नंबर जिन्होंने उन्होंने सारे बुलाया। सो यह जी शड्यूल साइंस 9 तरीक, मैथ 13 जुलाई, इंग्लिश, ठीक है जी, 14 जुलाई। एक कैटेगरी देख लियो कैटेगरी के बारे तुम्हें जाने उन्होंने एक दसिया होया बिना कार्ड निर्धारित शड्यूल अनुसार दस्तावेज की स्क्रूटनी के आने तो पहला हेठ दर्शाए अनुसार स्क्रूटनी फॉर्म विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करके उसनू साफ सुथरा करन उपरंत अपने सर्टिफिकेटा रनिंग PDF तैयार करके अंग्रेजी विशा, ठीक है, इंग्लिश वाले ने ए ते सेंड करना ईमेल आई डी ते, मैथ्स वाले ने मैथ्स वाले ते अते साइंस वाले ने साइंस वाली ईमेल आई डी ते सेंड करना है। ये फिलहाल किदा रनिंग PDF बनानी है सारा कुछ वीडियो वगैरह अपलोड किया होया, अगर साडे थ्रू सारा प्रोसैस वगैरह करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के तुम्हें डिफरेंट लिंक्स मिलूंगे सारा कॉन्टैक्ट कर दे तुसी उते कॉन्टैक्ट करके करवा सकते अपना लिंक। सो की तुसी अपलोड करना है जन्म मिति संबंधी 10वीं का सर्टिफिकेट, सिख 10 का सर्टिफिकेट, पंजाबी पास करन दा सबूत, पंजाबी DMC 10वीं क्लास या उचेरी पद्धर से, मतलब कि तुसी 10th भी पंजाबी पास की है, फिलहाल 10 दे DMC ते हुंदा जिन्होंने एडिशनल पेपर किया हो उस अकॉर्डिंग करना, उन्होंने BA ग्रैजुएशन दे 3 सालों के ढे DMC प्लस डिग्री, BEd की डिग्री प्लस DMC कैटेगरी, अगर ढी अगर SC BC वे सर्टिफिकेट, पंजाब रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आमदन सर्टिफिकेट, ठीक है जी।
विभाग की वैबसाइट पर तुम एक रनिंग पी डी एफ बना के अपलोड करनी है। सीक्वेंस वाइज यदि करने हैं जी, पहले 10वीं का, फिर पंजाबी का, जिन्हों का पंजाबी 10वीं बच्चे है एक भी कर सकते, कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ढा प्रूफ है, वो लिखा होंगे कि पंजाबी पास है। वैसे तो जेडे ऑल ओवर पंजाब के सारे बच्चों ने पास आउट की होंगी है, लेकिन जोड़े बच्चे CBSE बोर्ड या अदर बाहर जाके पंजाब तो बाहर जाके स्टडी कंप्लीट करते उत्थे पंजाबी विच 10वीं विच पंजाबी नहीं होंगी क्योंकि उत्थे वो सब्जेक्ट नहीं होंगे, इस करके जिन्होंने एडिशनल पेपर पास किया है उस अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। ना इंपोर्टेंट इतने चीज़ है जो इन्होंने दसी है। उम्मीदवार दस्तावेज़ा की स्क्रूटनी ते आउण तो पहला, ठीक है, असल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की खुद तस्दीक की फोटो कॉपियां का एक सैट, मतलब तुसी हरेक का एक एक सैट बना लेना, अपनी पासपोर्ट साइज 4 फोटो लैके जानी है, जमा करवाई गई फीस का सबूत। हुण देखो अगर तुहाडे कोल जमा कराई गई फीस का सबूत नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म पर भी होंदा है, उस तो बाद एप्लीकेशन फॉर्म विभाग की वैबसाइट तो तुसी डाउनलोड कर लेना है। कीता स्क्रूटनी फार्म फाइल कवर विच टैग करके सारे असल दस्तावेज अते सरसिगी फोटो कापियां, ठीक है, उक्त दर्शाई तरजीब अनुसार वक्रियां फाइलों में लगा के दस्तावेज की स्क्रूटनी लिए निजी तौर पर हाजिर होंगे। सो ये जो सर्टिफिकेट वगैरह दसे हुए हैं तुम्हें सारे लैके जाना, फोटो कॉपियां भी तुम इन्हें लै चलो, दो दो लै लियो 4 फोटो दसिया हुआ विभाग की वैबसाइट तो डाउनलोड किया स्क्रूटनी फॉर्म फाइल कवर विच टैग करके तुम लैके आना, असल दस्तावेज प्लस दूसरे सर्टिफिकेट सारे तुम लैके जाने हैं। हिदायत वगैरह की है वह दिख लें हम उपरोक्त दिते शेड्यूल अनुसार उम्मीदवार दस्तावेज की स्क्रूटनी लिए करवाने लिए निजी पद्धर से हाजिर होंगे, खुद जाना है, अदर परसन कोई नहीं जाऊगा। उम्मीदवार किसी भी उम्मीदवार वालों दस्तावेज की स्क्रूटनी विच हाजिर ना होना यह नहीं कि उसका नियुक्ति लई हक पैदा हो गया, मतलब अगर तुम स्क्रूटनी लिए गए उत्थे तो मतलब ये नहीं कि तुम सिलेक्टेड ही हो। दस्तावेजा की स्क्रूटनी समय सारे असल दस्तावेज सर्टिफिकेट चैक किए जाएंगे, इस तो बाद कोई भी सर्टिफिकेट दस्तावेज किसी भी सूरत में नहीं लिया जाएगा। वैसे इतने टाइम तुम्हें मिल जाता अगर कोई प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल दस्तावेज दस्तावेजा की स्क्रूटनी लिए गठित सब कमेटियां कोलों चैक करवाए आदि जरूरी हैं, ठीक है, उन्होंने तुम्हें कराने अति जरूरी हैं, ठीक है जी, जरूर चैक कराने हैं। दस्तावेज चैक ना कराने की सूरत में या उम्मीदवार के कोई दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं तो उन्होंने पात्रता उस समय रद्द की जाएगी। स्पष्ट किया जाता है जेकर किसी भी उम्मीदवार का कोई भी दस्तावेज सर्टिफिकेट गलत या जाली पाया गया है उससे, ठीक है जी, उसी समय FIR, ठीक है, मौके पर ही दर्ज कराई जाएगी। नैक्सट लास्ट पॉइंट है जी, स्क्रूटनी दौरान हाजिर होए हाजिर रहन समय उम्मीदवार पंजाब सरकार सेहत विभाग वालों कोविड हिदायतों वगैरह फॉलो करनी, लास्ट पॉइंट यही है जी। सो बाकी अगेन कंग्रेचुलेशन सारे बच्चों, बाकी ये जो शेड्यूल दसिया हुआ तुम्हें देख लेना है। सब तो इंपॉर्टेंट है रनिंग PDF बना के तुम अपलोड कर देनी है, अलग अलग आइडिया इन्होंने बनाई हुई हैं इंग्लिश वास्ते, इंग्लिश दैन सौने तुम देख लियो, और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है कमेंट सैक्शन में कमेंट करके तुम पूछ लियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।